ये अगर आपका मेकअप कभी भी बिगड़ा हुआ लग रहा हो ना, तो ये एक बार लगा लीजिए तो आपका मेकअप परफेक्ट लगने लगता है। और कभी किसी का बर्थडे होता है तो अक्सर इस रूम में सब भर जाते हैं, छोटे से रूम में हमारे सारे कलाकार जो हमारे शो के, तो उन्होंने मुझे डांट डांट के मेकअप करना सिखाया कि हर जगह जाओगी अलग अलग लोग मेकअप करेंगे, कभी कोई तुम्हारा फेस समझेगा कोई नहीं समझेगा, तो तुम्हें अपना मेकअप करना खुद आना चाहिए। हाय, मैं हूँ परिवा प्रणति, यानी कि वागले की दुनिया की वंदना वागले, और आज मैं आपको अपना मेकअप रूम दिखाने वाली हूँ। सो ये मेरा मेकअप रूम है, और इसकी एंट्री पे जनरली यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं जिनको हम खाना खिलाते हैं, तो वो अब हमारे वागले की दुनिया की अडॉप्टेड बिल्लियाँ हो गई हैं। सो अभी सब मिसिंग है, बट इनका खाना यहाँ बाहर हमेशा रखा रहता है कि वो जब भी आए खा सकें। सो अंदर आइए। हाय, तो ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मेकअप रूम। हमने जहाँ पे मेरे साथ सखी भी रहती है अक्सर, तो हमने ये मिर्ची लाइट्स का अरेंजमेंट किया है ताकि हमारा रूम थोड़ा गर्ली सा रहे, और वो सखी का टॉय रहता है हमेशा वहाँ पे। सो दैट इज़ अ थिंग। और ये हमारे मेकअप की लाइट्स हैं, और ये मेरा साइड है क्योंकि मुझे इधर बैठना पसंद है, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स हैं इसलिए, और बहुत सारा मेकअप कैरी करती हूँ मैं। सो हमारे टेबल पे खाने का डब्बा हमेशा मिलता है क्योंकि हम दोनों, इनफैक्ट हमारी वागले की दुनिया की पूरी टीम बहुत बड़ी भुक्कड़ है, कॉन्स्टेंटली खाने की बातें होती हैं यहाँ पे। और मेरा एक फिक्सेशन है, मुझे राउंड मिरर चाहिए होता है। स्क्वायर मिरर मैं कभी नहीं लेती हूँ, तो मेकअप दादा को पता है कि अच्छा अगर परिवा आ गई तो उसको राउंड मिरर चाहिए होगा, और मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ। ये मेरे अलग अलग पाउचेज हैं क्योंकि मुझे बड़ी वैनिटी कैरी करना बहुत कंबसम लगता है, तो मैं छोटे छोटे पाउचेज कैरी करती हूँ जो मेरे हेल्प करें। और ये मेरा सेट का पाउच है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्रॉन्जर है, पफ ब्लश ऑन ब्रश, एंड एक बहुत कमाल की चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टूडियो फिक्स। तो ये अगर आपका मेकअप कभी भी बिगड़ा हुआ लग रहा हो ना, तो ये एक बार लगा लीजिए तो आपका मेकअप परफेक्ट लगने लगता है। वो है। उसके अलावा मेरा फ़ोन हमेशा यहाँ रहता है, और हम अक्सर जब रूम में अकेले होते हैं तो हम गाने लगाकर बैठते हैं। मुझे कोक स्टूडियो के गाने बहुत पसंद हैं, तो कोक स्टूडियो के गाने सुनती हूँ। पैपॉन करके एक बहुत कमाल के सिंगर हैं, उनका एक गाना है खुमार जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो हमारे रूम में अक्सर चलता है, और अभी वो सखी को भी रट गया है। वो है। उसके अलावा ये मेरी दवाइयाँ और सब कुछ है क्योंकि मुझे भी बहुत कोल्ड हुआ है, तो उसकी दवाइयाँ हैं, और गाड़ी की चाबी है, एंड एक मॉइस्चराइज़र हमेशा रहता है, परफ्यूम हमेशा रहता है हमारे सेट पे, हमारे मेकअप टेबल पे। ये मेरी छोटी सी दुनिया है, और यहाँ हम बहुत सारी गॉसिप भी करते हैं, और कभी किसी का बर्थडे होता है तो अक्सर इस रूम में सब भर जाते हैं, छोटे से रूम में हमारे सारे कलाकार जो हमारे शो के, वो सब इस रूम में घुस जाते हैं, और यहीं केक कटिंग वगैरह होती है। एंड इसी के साथ में अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा स्पॉट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा बैठना पसंद है? ये मेरी फेवरेट चेयर है, और यहीं इसी कॉर्नर में मैं बैठती हूँ, और अक्सर हम सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और सिर्फ ये मिर्ची लाइट ऑन होगी और हम शांति से बैठते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा बैठना आपको कहाँ पसंद है अगर आपकी? ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, ये मेरी छोटी सी दुनिया है जहाँ पे मैं, अगर सखी नहीं भी होती है तो मैं यहीं पाई जाती हूँ। मेरा म्यूज़िक ज़रूर साथ में रहता है क्योंकि मैं म्यूज़िक 24 घंटे सुन सकती हूँ, और मेरे रूम की सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, सिर्फ मिर्ची लाइट्स जली होती हैं। एंड मेकअप के जिस तरीके से हमने अभी मेकअप के बारे में बताया, एंड मेकअप की अगर बात करें तो पर्सनली आपको मेकअप करना कितना पसंद है? मैं देखिए पर्सनल लाइफ में मैं अगर मेकअप के नाम पे सिर्फ काजल लगाती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, और इनफैक्ट मैंने सेट पे भी सबको बोला है बिना लिपस्टिक के मुझसे कोई नहीं मिलेगा। तो जैसे जो अथर्व बने शिहान, उनकी मम्मी अक्सर रहती हैं पायल हमारे सेट पे, तो वो मुझे देखते ही वो भाग जाती हैं और फिर वो लिपस्टिक लगा कर आती हैं वापस। कोई ऐसे मेकअप को लेकर कोई ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है कभी आपका? मेकअप को लेके बैड एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट हाँ अगर आपकी तबीयत कभी डाउन हो, जैसे कभी फीवर हो या कोई आप यू आर अनवेल, तो मेकअप क्रैक बहुत होता है, वो ठीक से बैठता नहीं है, तो या अगर रोने के बहुत सीन्स हो तो कई बार मेकअप बह जाता है उसके साथ, तो वो इमीडिएट टचअप करना पड़ता है, बट थैंकफुली मैं क्योंकि खुद का मेकअप करती हूँ तो इमीडिएटली मैं अपनी जो भी वो इशू हो सकता है उससे पहले अपना फेस ठीक कर लेते हैं। पहले मेकअप को लेके कोई ऐसी कोई याद है जो आप बताना चाहें, कोई शेयर करना चाहें? देखिए जैसे स्कूल से लेके या अब तक मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ एलएसआर कॉलेज में, और वहाँ पे जब मैं कॉलेज में थी तब एक फिक्सेशन होती थी कि सारी लड़कियाँ सिर्फ मोटा काजल लगाकर घूमती थी। उस टाइम पे ये लिपस्टिक का या बेस का कल्चर नहीं था कॉलेज में, अभी इनफैक्ट लड़कियाँ बहुत फैशनेबल हो गई हैं, बट उस टाइम पे सिर्फ इतना होता था कि काजल बहुत होता था,
उसके बाद जब मैंने शूटिंग शुरू की और इतना मेकअप लगाना सीखना पड़ा, मतलब इनिशियली ऑब्वियसली मुझे मेकअप करना आता नहीं था. सो मेरे किशोर दादा थे, एक स्फेयर ओरिजिन करके प्रोडक्शन में उनके लिए शो कर रही थी सलाम जिंदगी, तो उन्होंने मुझे डांट डांट के मेकअप करना सिखाया कि हर जगह जाओगी अलग अलग लोग मेकअप करेंगे, कभी कोई तुम्हारा फेस समझेगा कोई नहीं समझेगा, तो तुम्हें अपना मेकअप करना खुद आना चाहिए. सो उन्होंने मुझे एक्चुअली सिखाया, तो थैंक यू किशोर दादा. बट ओके, आपकी अगर बात करें तो आप क्या फैंस को टिप्स देना चाहेंगे उनके मेकअप के लिए? मुझे पर्सनली मेकअप में आई मेकअप सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आईज आप कहते हैं यू नो दे आर अ डोरवे टू योर सोल. सो आपकी आईज कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है उससे आपका आधा काम हो सकता है, तो मैं हमेशा आईज को हाईलाइट करती हूँ मेकअप में. अगर इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट मेकअप आपको किसका लगता है? आई थिंक दीपिका पादुकोण का मेकअप बहुत अच्छा रहता है. ओके, लास्टली इसी के साथ में जो आप अपने फैन से कहना चाहें? मैं कहना चाहूँगी कि खुश रहें, मस्त रहें, उससे अच्छा मेकअप कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश हैं तो वो ग्लो आपके फेस पे हमेशा दिखता है. और उसके अलावा थोड़ा मेकअप तो ऑब्वियसली ऐड करता ही है, बट इन जनरल आई थिंक हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें और जानवरों का ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.